नंबर है ना, ऑर्बिटल डायग्राम दैट इज वैलेंस ऑर्बिटल डायग्राम और एटॉमिक नंबर वैलेंस ऑर्बिटल डायग्राम देन जनरल बॉन्डिंग है ना, बॉन्डिंग इन सेलर आइटम एमपीटी, बॉन्डिंग इन एमपीटी के बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर देयर टोटल, एक नॉन मेटल मेटल में, दूसरा मेटल मेटल एंड तीसरा नॉन मेटल मेटल, ठीक है। ये क्या है, दिस इज आयन, ये क्या रहेगा मेटल, ये क्या रहेगा कोवेलेंट। क्लियर है सबको, कैन यू आइडेंटिफाई द कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयन बॉन्ड, ठीक है। देन व्हाट वी हैव स्टडीड, इसके बाद क्या पढ़ा हमने, देखो इसके बाद क्या पढ़ा, इसके बारे में कुछ समझा है ना हमने, इसका मतलब क्या है, दिस इज इनिगेटिव है ना, ये कैसे एलिमेंट है, ये नेगेटिव एलिमेंट, ये कैसे एलिमेंट है, देन व्हाट वी हैव स्टडीड, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, कोसेल बॉन्डिंग थ्योरी है ना, कोसेल बॉन्डिंग थ्योरी एकदम शॉर्ट में किया मैंने, दो दिन के शॉर्टकट है ये, आपको यही चीजें याद रखनी है। लेविस ने क्या बताया, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉन्स कौन से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का बेसिक कौन सा है, ऊपर केमिकल बॉन्डिंग का बेसिस कहाँ पे है, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोसल बॉन्डिंग थ्योरी है इसी से हमें ये पता चल रहा है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आयनिक एंड कोवेलेंट, कोवेलेंट में हमारे पास कितने बॉन्ड, कितने टाइप्स है, सिंगल डबल, सिंगल डबल एंड ट्रिपल, ठीक है। सिंगल मतलब सिग्मा का एनी अल्केन है ना, एनी अल्केन, देन Cl2H2 और कौन है, F2, मतलब बेसिकली H2 ही आएगा, देन डबल बॉन्ड का O2 आएगा, राइट, देन CO2 आएगा, ट्रिपल बॉन्ड का गाइस N2, ट्रिपल बॉन्ड का N2 आएगा, एंड देन अल्काइन्स। आपको इम्पोर्टेंट ये नहीं है, ये आपको रिमेम्बर N2, ओनली N2, इतना ही पढ़ा है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अभी, ये क्या है, इसमें भी हमने कुछ लेविस केमिकल कोसल बॉन्डिंग के बाद हमने क्या फिर से कहाँ पे गए थे, लेविस स्ट्रक्चर के पास गए थे, लेविस स्ट्रक्चर्स पे हमने एटम्स ये इलेक्ट्रॉनिक में कवर हुआ था, देन आयंस एंड देन मॉलिक्यूल्स, फिर मैंने मॉलिक्यूल्स को इन तीनों टाइप में डिवाइड किया, सिंगल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है, ट्रिपल बॉन्डेड। आयंस का मैंने आपको क्या बताया था, व्हाट इज द थ्योरी रिलेटेड आयन, आयंस कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है ना, आयंस कैसे बनते हैं, कोई भी ई पॉजिटिव होगा क्या बनाएगा, E++ है ना, कैटायन प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, कोई भी ई नेगेटिव होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बनेगा, E-
समझ में आया। इसमें ये सब क्या है, स्टेप वाइज है। हो सकता है कि बेस्ड ऑन दी वैलेंसी अलग अलग स्टेप में आपको करना पड़ेगा। एक एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो कौन सा आयनाइजेशन एंथैल्पी आएगा, IE1, सेकेंड IE2, थर्ड लास्ट भी IE3 होगी। एंड IE3 इज ग्रेटर देन IE2 इज ग्रेटर देन IE1। ठीक, कोई टॉपिक मिस हुआ है? सो दिस इज व्हाट वी आर स्टडीइंग फॉर द लास्ट 3 days, right? 2 days. Now we are remaining with the ions with polyatom, है ना? We are remaining with the ions for polyatoms. अब ये जो polyatoms का मतलब इसमें कौन आएगा? सनम, है ना? सनम प्यार ना कर। तो मैंने आपके इसको कवर किया, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने लिए हैं जिसमें आपको लेवी स्ट्रक्चर भी कैलकुलेट फाइंड आउट करना है। उसके साथ साथ एक नया टॉपिक आज पढ़ेंगे, इट इज नथिंग बट फॉर्मल्स।